अक्सर हम अपना बहुत सारा समय या तो भविष्य की योजनाएं बनाने में बिता देते हैं, या फिर भूतकाल में हुई कुछ गलतियां या कुछ अवसरों के बारे में सोचने में बिता देते हैं। मगर ना ही हमारी शक्ति भविष्य में है और ना ही अतीत में। अगर अतीत में जिएंगे तो फिर वही दुख, वही दर्द, वही मुसीबतें आंखों के सामने आती जाएगी। और अगर भविष्य में जिएंगे तो व्याकुल होकर अपने आप को असंतुलित कर लेंगे। असली शक्ति सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में, इस समय, इस पल, इस क्षण में है। और चाहे हम कुछ भी समझें, अगर हम इस पल में नहीं रहे तो हम अपना पुराना और नया दोनों ही वक्त गवा देते हैं। इस पल में ही सारी शक्ति है, और इस पल का सबसे अच्छा फायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को ऐसे विचारों से भरें जो हमारे अगले पल को और बेहतरीन बनाए। सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचारों को अपने अंदर बहने दें, जिससे कि अगला पल और मजबूत हो और सफलता से संपूर्ण हो, जिससे कि अगला पल और अच्छा बने और खुशहाल बने और संपूर्ण बने। तो शुरू करते हैं। आज हम ध्यान में बैठकर कुछ ऐसे वचन बोलेंगे जो हमारे अवचेतन मन में बस जाएंगे और हमें एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जाते जाएंगे। तो चलिए बैठते हैं ध्यान में। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर एक मुस्कान लाएं, अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, यानी अंगूठे और पहली उंगली को आपस में जोड़ लें और इन्हें आप अपने घुटनों पर रख सकते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए, और सांस छोड़ते हुए शरीर को और ढीला कर दीजिए, सारे तनाव को बहने दीजिए बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए, और सांस मुंह से छोड़ते हुए कंधों को ढीला कर लीजिए, कमर को ढीला कर लीजिए, पैरों को ढीला कर दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोकिए, और अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, माथे को ढीला छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते हुए देखिए शरीर का सारा तनाव बाहर की तरफ जाए जा रहा है, आपसे दूर होता जा रहा है। रक्त संचालन संतुलित हो गया है। अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए, क्योंकि इतने ही आरामदायक तरीके से धड़क रहा है। देखिए सांस किस तरह से नाक से अंदर जा रही है और शरीर में कहां तक फैल रही है। देखिए कि ये सांस कितनी गहरी है और शरीर के किस हिस्से तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं, अपने शरीर को इजाज़त दीजिए, मांसपेशियों को इजाज़त दीजिए कि वो बिल्कुल आरामदायक स्थिति में चले जाएं। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, एक सही जगह पर बैठे हुए हैं आप, एक आरामदायक सुरक्षित जगह में हैं आप। तो शरीर को बिल्कुल ढीला शांत हो जाने दीजिए, और देखिए कि सांस रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले भाग तक जा रही है। ये आपका मूलाधार चक्र है। आपके जीवन में, आपके भौतिक जीवन के सारे सुख के लिए जिम्मेदार ये चक्र ध्यान रखता है कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने भौतिक जीवन को जिए। इस चक्र से जुड़ते हुए अपने आप को आज हम कुछ ऐसे वचन बोलेंगे जो हमारे मन में हमेशा के लिए बस जाएं।
मैं असीम हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं खुद को जैसा भी हूँ वैसा ही स्वीकार करता हूँ। मैं खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ करता हूँ। मैं उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने जाने अनजाने मेरे साथ बुरा किया, और मैं उनके इस भार से मुक्त होता हूँ। मैं असीम हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को माफ़ करके स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी गलतियों को एक सबक की तरह लेता हूँ और अब उससे सीख कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना अतीत नहीं हूँ, मैं अपना भविष्य भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस पल में, वर्तमान में, इन वचनों से अपने आप को दोबारा बना रहा हूँ। मैं संपूर्ण हूँ, मैं मेरे माता पिता के डरों से मुक्त हूँ, मैं किसी की भी धारणाओं से मुक्त हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बना रहा हूँ, और मुझ में वो सारी काबिलियत है जिससे मैं अपना जीवन खुद लिख सकता हूँ। मैं अपना अतीत नहीं हूँ, वो सब पुराने विचारों का एक निष्कर्ष था, पर मैं आज इस पल नए विचार के साथ अपनी एक नई रचना करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं असीम हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार करके अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद के सारे डरों से मुक्त हूँ, मैं अपने अतीत के सारे डर से मुक्त हूँ, मैं असीम हूँ। कुछ पल इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। किसी भी तरह के भाव अब आप में आ रहे हों तो उनको आने दीजिए, रोकिए नहीं। खुद को मुक्त होने दीजिए उन सारे विचारों से जिन्होंने अभी भी आपको अतीत में बांध के रखा है। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। और अब इस भाव को अपने अंदर बसाते हुए चेहरे पर एक मुस्कान लाइए, कमर को सीधी कीजिए, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे अब अपने शरीर में वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और अब इसे अपनी आंखों पर रख लीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। स्वागत है आपका, स्वागत है।